हमें आज केतली जब मीटिंग है मुझे बरोबर हेल्थ मिनिस्टर हम सब सीएस सब बरोबर हेल्थ सेक्रेटरी बाकी सेक्रेटरी कलेक्टर्स डीजीपी बाकी सगळे जण आशिले थोड़ो वे पैली सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर हेल्थ मिनिस्टर बरोबर सभी कॉन्फरन्स जाली आनी प्रिपेरनेस आमकां अलर्ट आसपाक जाय हे म्हणणे आसा आनी 27 डिसेंबराक एक तेंचो मॉक ड्रील जो आसा हॉस्पिटलची प्रिपेरनेस कशा पद्दतीन आसतली हेज्या खातीर मॉक ड्रील तो गोंयानूय बी मॉक ड्रील जातलो हांवेनूय इंस्ट्रक्शन्स दिल्या आजिलो जीएमसी हॉस्पिशियोन एक मॉक ड्रील करून घेया म्हणजे ऑक्सिजन पासून पीपीई किट पर्यंत सगळे लिस्ट आउट करपाक आमचो हेल्थ सेक्रेटरी एकदा तेची प्रिपेरनेस सगळी घेतलो वॉट एवर द इंस्ट्रक्शन्स गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडल्यान येता ती इन फ्युचर आमी फॉलो करपा खातीर गव्हर्मेंट ऑफ गोवा इज रेडी एट प्रेजेंट ऑल्सो आमच्या गोवा एअरपोर्टाचेरूय बी ऑलरेडी 2% ऑफ द पॅसेंजर वन वीथ इंटरनॅशनली जे येता तेंचो जिनोम सिक्वेन्सींग करपा खातीर ऑलरेडी सुरवात जाल्या आनी पीक करून ते एक 2% करता ऑलरेडी आतां पळय आनी आमचे कडेन जिनोम सिक्वेन्सींग करपाची फेसिलिटीज ऑलरेडी आमचे कडेन अवेलेबल आसा आजिनोनूय आसा आनी जीएमसीनूय आसा ते सुरवात जाला त्या खातीर म्हणजे हांव परत एकदां सांगतलो भिवपाची गरज ना म्हणून कारण आत्तां तशें गोंय ऑल इन्फ्रास्ट्रक्चर इन प्लेस आसा आमी ऑलरेडी प्रिपेर्ड आसा चुकून म्हणजे देवाच्या कृपेन व्हडलो आमचेर कसलो हें जावचें ना असो धरून होता बट जाल चुकून जर म्हणजे फाल्यां सकाळीं कितें केसीस वाडपाक लागल्यो जाल्यारूय बी सरकार आपल्या परी पुराय तयार आसा आमी सगळे जाण म्हणजे प्रिपेर्डनेस आमच्या हेल्थ डिपार्टमेंट पासून कलेक्टर डिपार्टमेंट सगळ्या कडेन सगळी प्रिपेर्डनेस आसा आयची पयली मिटींग तशी गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया लेवलाचेर बाकी सगळी कडेन घेतल्या तशें आमी घेतल्या एट प्रेजेंट फेस्टीव सिजन आसा गोंयांत त्या खातीर खंयसरूच तेजे रेस्ट्रिक्शन्स कित्याचेरूच ना आनी आसचे ना टील 2 जानेवारी पर्यंत फेस्टीव सिजन आसल्या कारणान खंयसरूच कसलीच रेस्ट्रिक्शन्स जी आसा ते आमी बिलकूल दवरूंक ना आनी म्हाका तितक्या बेगीन ही गरजूय लागना आनी बाकी सगळे फॉलो केल्या उपरांत ताज्या उपरांत 1-2-3 तारखेच्या उपरांत बाकीचे सगळे डिसायड केल्या म्हणजे केसी पळोवन मागीर 2-3 तारखे उपरांत 1-2-3 तारखेच्या उपरांत केसीस पळयल्या उपरांत बाकीचे जर कितें डिसिजन घेवपाचे आसत जाल्यार ताज्या उपरांत मागीर डिसिजन घेतले सो मास्क बीन तरी सध्या तरी आतांच्या घडीक म्हणजे जेणी आपल्याक स्वताहून जाय तेणी वापरचो कांयच हरकत ना आपल्याक कंपलसरी ना आपल्याक जेका वापरून दिसता गर्दीन वयता आसतना जर कोणाक थंडी जाल्ली आसा जाल्यार तेणी गर्दीन वयचो न्ही मास्क वापरचो कोण हेल्थ जे आमी जेका म्हणटा सिकनेस आसा तेणी ते वापरचो कंपलसरी आसून सो ईडीएम फेस्टिवल बीन जातले पळय थंय कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर बीन फॉलो तरी घडी कांयच गरज ना कोविड कोविड के बारे में प्रिपेरनेस की मीटिंग मैं बिल्कुल हेल्थ मिनिस्टर बाकी सीएस हेल्थ सेक्रेटरी बाकी कलेक्टर्स डीजीपी सभी लोग थे और अकॉर्डिंग टू दैट सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर से हेल्थ मिनिस्टर की वीसी भी हो चुकी थी इससे 27 को जो मॉक ड्रिल होने वाला है वो गोवा में भी मॉक ड्रिल होगा प्रिपेयरनेस फॉर द कोविड फ्रॉम द जैसे हम पीपी किट से लेके पूरा मेडिसिन का प्रिपेयरनेस करने के लिए गोवा भी हमने इंस्ट्रक्शन दिया है मुझे लगता है एट प्रेजेंट जो इंटरनेशनल पैसेंजर्स गोवा में भी आ रहे हैं उनके लिए 2% ऑफ द टेस्टिंग गोवा में भी जीनोम सिक्वेंसिंग की कर रहे हैं हमारे लिए यहाँ पे पूरे फैसिलिटीज सभी अवेलेबल हैं इसलिए यानी एट प्रेजेंट गोवा में फेस्टिव सीजन है कोई इतने यानी कंपलसरी यहाँ पे हम अलर्ट हैं कोई रेस्ट्रिक्शंस डालने अभी ज़रूरत नहीं है ऐसे मुझे लग रहा है वी आर ऑब्जर्विंग एट प्रेजेंट द सिचुएशन ऑल ओवर द इंडिया एंड ऑल्सो इन द स्टेट ऑफ द गोवा रूटीन जो टेस्ट कर रहे हैं 600 टेस्ट डेली हो रहे उसमें से एक आधा दूसरा पॉजिटिव पेशेंट्स मिल रहा है सो वट एवर ही इधर होम आइसोलेटेड वो ठीक भी हो रहा है इसलिए मुझे लगता है कि वी आर वेटिंग टिल द 2nd of January विल ऑब्जर्व बाकी जो कुछ किस तरह से हो रहा है अकॉर्डिंग टू दैट वी विल टेक द डिसीजन क्रिसमस और न्यू ईयर सीजन भी है गोवा में हमेशा के लिए जो क्रिसमस और न्यू ईयर बड़े उत्साह से सेलिब्रेट किया जाता है इसलिए गोवा में एट प्रेजेंट द फेस्टिव सीजन चल रहा है इसलिए कोई रेस्ट्रिक्शंस हमने नहीं डाले और 2 तारीख तक मुझे लगता है रेस्ट्रिक्शंस डालने की कोई ज़रूरत नहीं है जिस किसी को मैंने मास्क यूज करना है वो खुद होके मास्क यूज करे गवर्नमेंट ने कंपलसरी कुछ किया नहीं सर सेंट्रल से कुछ क्या गाइडलाइन आए सेंट्रल के गाइडलाइन आज हेल्थ मिनिस्टर के साथ जो वीसी हुई है उससे
हमारे प्रिपेयर्डनेस हम जारी रख रहे हैं, मॉक ड्रिल हम करके 27 को मॉक ड्रिल करके ले रहे हैं सर। आणि एक इश्यू आयला तो म्हणजे सी फेरांचा इश्यू आयला आज पेन्शन के वरज एकदा सांगता सी फेरर जो आहा पळय रे हांची पेन्शन हांवेनूच चालू दवरल्या, चालू केल्या परत एकदा, आणि ती जरी टेम्पररी म्हाका दिसता जो कोण अननेसेसरी इश्यू काढटा पळय न्ही ताका हे कळपाक जाय तर म्हाका दिसता मरे सध्या तो बेकार आहा परत। कारण कितें जालां तो उपमुख्यमंत्री आसलो ताका याद ना, गव्हर्मेंट प्रोसिजर ताका कदाचित याद ना दिसता। आतां नवीन स्कीम जेन्ना पूर्ण ता रिवायज करता आसत जाल्यार मदल्या शॉर्ट टर्मा खातीर ताका एक्सटेंशन दिवचें पडटा। म्हाज्या हांवेन एक्सटेंशन दिलां हाडून, म्हाज्या हांवेन हाडून 6 महिन्याचें एक्सटेंशन दिलां, आनी डिपार्टमेंटाक ऑलरेडी इंस्ट्रक्शनूय दिलां की फूल फ्लेज स्कीम चालू करपाक जाय। ओके, ती तेंच्यांनी ऑलरेडी फायनान्स डिपार्टमेंट प्रोविजन करप, होम डिपार्टमेंट तेजेर वर्कींग करता, आनी येता त्या बजेटांतल्यान ती कायमची चालू उरपा खातीर येता त्या बजेटांतल्यान तेजें प्रोविजनूय जातलें आनी ती चालू उरतली। आतां जें सगळें कितें तरी ट्वीट बीट केलां तें तिच्यान हांवेंच ऑलरेडी म्हणजे घातलां की ह्या 6 महिने ती एक्सटेंड करची आनी मागीर ती कंटिन्यू चालू दवरची। सरकार इतक्यो स्किमी दिता मरे तितून आमकां सी फेरांक दिता, आमी दुजा भाव करिना म्हणून सांगता, आमकां सगळें एकूच आसा। नाका जाल्लें कितें करता।